हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल Blusmsg पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिंगापुर में रहती हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ मेरे घर के पास का जो बीच पार्क है, पासिर रिस बीच पार्क सिंगापुर में, उसके थोड़े से दर्शन करिए और देखिए कितना सुंदर है वो। तो 3 दिन की बारिश के बाद थोड़ा सा आसमान खुला हुआ है, थोड़े बादल हैं, अभी सूरज नहीं निकला है, लग नहीं रहा कि बारिश होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं, थोड़ी आप लोगों से भी बातें करते हैं। देखती हूँ मैं इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा मेरा लगता है आपको। तो फिर अब हम जा रहे हैं अंदर, पार्क के अंदर एंटर कर रहे हैं, बहुत ही हरियाली है। जब भी मॉर्निंग वॉक के लिए मैं यहाँ आती हूँ तो पूरा दिन मैं बहुत ही रिफ्रेश फील करती हूँ, क्योंकि ये हरियाली मुझे बहुत पसंद। देखिए चारों तरफ कितना हरा भरा नज़र आ रहा है, बारिश के बाद हरियाली और भी सुंदर लग रही है। थोड़ा सा आसमान खुल गया है, कभी सूरज जी थोड़े से दर्शन दे रहे हैं, फिर छुप जा रहे हैं बादलों के बीच में। कल के चंद्रग्रहण के बाद आज का थोड़ा सा मौसम अच्छा अच्छा है, बहुत बारिश हुई थी अभी, तो अभी तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह बहुत ही सुंदर लग रहा है, हवा चल रही है, एक अलग सा म्यूज़िक है वातावरण में। मॉर्निंग में आओ तो कितनी एक अलग ही म्यूज़िक सुनाई देती है, कहीं पत्ते हिल रहे हैं, कहीं पक्षियों की आवाज़, कभी कुछ आवाज़, जो एक अलग सा वातावरण, एक मन को इतना सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैं पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा बीतता है, मुझे बहुत ही फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है। वैसे तो सिंगापुर में सभी मॉल दिखाते हैं, मैं आपको हरियाली दिखा रही हूँ। ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि सिंगापुर में मॉल्स 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 और कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप देखिए, मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। देखिए बारिश हुई थी, उसका पानी दिख रहा है, आप पूरी घास बहुत ही गीली है अभी। एकदम महसूस करिए इस सुंदरता को, बहुत ही सुंदर है ये सारी चीज़ें। और सुबह क्योंकि मैं थोड़ा लेट आई हूँ, थोड़ा सा सूरज निकला फिर छुप गया, तो मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, तो अभी कोई वॉक करते हुए दिख नहीं रहा है हमको। अदरवाइज़ अगर मैं थोड़ा जल्दी आती हूँ 7:30-8 बजे के करीब, तो बहुत लोग मिल जाते हैं वॉक करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, क्योंकि अभी इस समय हो रहा है 9:30, दैट मीन्स इंडिया में अभी 7 बजे होंगे। इंडिया से सिंगापुर का टाइम 2.5 आवर्स आगे है, इंडिया में इस समय 7 बजे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 9:30 बजे हुए हैं। देखिए सामने से के अंकल आ रहे हैं वॉक करते हुए, जॉगिंग करते हुए। वैसे तो और भी लोग, अगर थोड़ा बस इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं अभी, क्योंकि लेट हो गए हैं। अभी कुछ आंटी अंकल्स का ग्रुप दिखेगा, हमेशा ही मॉर्निंग में जो ओल्ड लोगों का ग्रुप है वो काफ़ी मिलते हैं, योगा और इनका जो सेशन होता है चाइनीज़, वो लोग मिल जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ी बारिश का टाइम है और थोड़ा मौसम मतलब ठंडा है, तो इसलिए लोग नहीं हैं ज़्यादा, अदरवाइज़ काफ़ी मॉर्निंग में काफ़ी लोग रहते हैं। बारिश के टाइम भी रेगुलर वाले तो फिर भी छाता लेके भी आते हैं वॉक करने के लिए। कितनी शांति लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जंगल में जा रही हूँ अकेले, बहुत ही शांति है एकदम वातावरण में। आप आवाज़ें सुनिए, कितनी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए पानी दिख रहा है, कल बहुत ही सुंदर हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। समुद्र के किनारे थोड़ा ठंडा ठंडा सभी माहौल बहुत ही सुंदर रहता है सुबह। वैसे भी एक आध लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। अभी ये अंकल आ रहे हैं साइकिलिंग करते हुए, ये मुझे गुड मॉर्निंग बोलेंगे ज़रूर। यहाँ पे ओल्ड लोग जो भी मिलते हैं वो ज़रूर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बीच के पास जाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से पूरी घास बहुत ही गीली थी और सीट के नीचे भी पूरा पानी भरा हुआ था, तो बस थोड़ा सा देखा मैंने और वापस आ गई। कितना सुंदर लग रहा है समुद्र, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे साइड में एक छोटा सा ब्रिज है,
जो हम जाते हैं तो उसके नीचे बहुत सारे ऑटर्स हैं उन ग्रुप में, तो लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं या फोटोग्राफी कर रहे हैं। वो देखिए सामने ऐसा लग रहा है मंकीज़ है, लेकिन मंकी नहीं है, वो ऑटर्स हैं, ऊद बोलते हैं हम जिनको हिंदी में, बहुत सारे हैं वो। सूरज जी ने दर्शन दे दिए हैं, धूप निकल आई है, खिली हुई खिली खिली सी, अच्छा लग रहा है। अरे मुझे कोई मिल गया था तो मुझसे बात करने लगी तो मेरा कैमरा हिल गया। ऑटर्स देखिए, बस मॉर्निंग वॉक हो गई मेरी, 1 आवर हो गए लगभग, अब वापस जाने का टाइम आ गया है। धूप निकल आई है, थोड़ी गर्मी भी लग रही है, थोड़ी प्यास भी लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जाने का मन नहीं होता है लेकिन हाँ जाना है, और थक भी गई हूँ अब थोड़ा सा धूप की वजह से, थोड़ा सा क्योंकि लेट आई थी तो अब भूख भी लगाई है। ये बस वापस जा रही हूँ मैं दूसरी तरफ से, अच्छी खासी धूप निकल आई है। आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ये मेरा फ़र्स्ट ट्रायल है, थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, तो मुझे और बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं सिंगापुर के बारे में। मैं मॉल्स और सारी चीज़ें, अपनी लाइफ स्टाइल, इंडियंस जो नॉर्थ स्पेशली नॉर्थ इंडियंस की लाइफ स्टाइल जो यहाँ रहते हैं, और उसमें भी एक और ख़ास बात, जो वेजिटेरियन है उनकी लाइफ स्टाइल, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो भी एक पॉइंट है। वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने आगे के वीडियोज़ में धीरे धीरे। तो आज का इंट्रो वीडियो मेरा बस बीच पार्क में, मैं क्योंकि आ रही थी तो मैंने सोचा यहीं पर बना लेती हूँ मैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा ये। ये बीच पार्क एक्चुअली बहुत बड़ा है, मैं तो पूरा एक बार में पूरी सब पूरा कुछ नहीं दिखा सकती। यहाँ पे एक बच्चों का एक बहुत बड़ा प्ले एरिया है, वो भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चे वीकेंड पे सैटरडे को स्पेशली, मेरी छोटी बेटी वो ज़रूर आना चाहती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो प्ले एरिया है काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे झूले के ऑप्शन हैं। एक दिन मैं सिर्फ स्पेशली सिर्फ वो प्ले एरिया ही कवर कर पाऊँगी, क्योंकि जब मैं बच्चों के साथ आती हूँ तो वो बच्चे तो प्ले एरिया से इधर हटते ही नहीं हैं। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है, तो बेटी को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। काफ़ी बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लगता है एनर्जी आ गई है, क्योंकि बारिश बारिश बारिश, क्लाउडीनेस जब रहता है तो एकदम लेज़ी हो जाते हैं हम, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए जी घर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, अब घर तो चला है, घर जाने के बाद थोड़ा सा काम करना है, फिर रेस्ट करना है, तब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। देखिए मॉर्निंग टाइम है, आपको यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस दिखाई दे रही हैं। सिंगापुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है, या मेट्रो ट्रेन्स हो या फिर आपका ये बसेस हो, दोनों में ही ओल्ड लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, कि आप व्हीलचेयर लेके जा सकते हैं बस के अंदर भी और मेट्रो के अंदर भी। अगर आप बेबी स्ट्रोलर है आपके पास तो बेबी स्ट्रोलर लेके भी आप बस में या मेट्रो में जा सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देख के कि ओल्ड लोग भी इधर से उधर मूव कर सकते हैं, तो ये मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ा प्लस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत बड़ी हेल्प है फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ गाड़ी नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सामने का बोर्ड देखिए, उस पर लिखा है कि अगर आप एक पपी या डॉग लेके चलते हैं तो साथ में एक बैग लेके चलिए और उसकी पू क्लीन करते हुए चलिए, सिंगापुर इसीलिए बहुत क्लीन है। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।